हाय एवरीवन, वेलकम टू किचन फार्मूला। किचन फार्मूला में आज हम बनाएंगे आम और सूजी का हलवा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो नीचे लाइक के बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने मैंगो पल्प लिया है 1 कप, सूजी 1 कप, चीनी 2/3 कप, दूध 1.5 कप, 3 बड़े चम्मच, 4 छोटी इलायची और बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में घी गरम करेंगे और घी अच्छे से गरम हो जाए तो उसमें हम सूजी ऐड करेंगे। सूजी को हमें अच्छे से रोस्ट करना है। हम इसे 4-5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में भूनेंगे। हमें ध्यान रखना है कि ये जल ना जाए। सूजी अच्छे से भून जाए उसके बाद हम दूध ऐड करेंगे और अच्छे से मिला देंगे। सूजी दूध में अच्छे से पक जाए तो हम 4 छोटी इलायची को तोड़ के उसमें ऐड कर देंगे और मिला लेंगे। अब मैंगो पल्प ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। सूजी में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। इसे हम 1-2 मिनट और पकाएंगे। अब हम चीनी ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। हलवा का कंसिस्टेंसी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। ठंडा होने के बाद हलवा थोड़ा थिक हो जाता है तो मैं अभी गैस को बंद कर दूंगी। ट्रस्ट मी, ये हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।